नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विथ सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के पेपर मैकेनिक्स की। आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ मैं सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बात करते हैं, और पिछला पेपर मैं किसी कारण से नहीं डाल पाया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, लेकिन आगे मैं फिजिक्स के पेपर डालूंगा जो भी बचे हुए हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, वही सेम आपके पास चार यूनिट है जिनमें से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, दो दो क्वेश्चन आएंगे चार यूनिट में से, है ना, आपको एक एक करना होता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपके पास चार यूनिट के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। किसकी? यूनिट नंबर थर्ड की बात हम यहाँ पे करते हैं, यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। अब यूनिट नंबर थर्ड में क्या है वो आप देखना। यूनिट नंबर थर्ड में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कोरियोलिस बल। क्या? कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल जो है वो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोरियोलिस बल से रिलेटेड आपके पास कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई तंत्र है, कोई रोटेटिंग सिस्टम है, घूर्णी तंत्र है, उसमें कोई गतिमान, द्रव्यमान एम पर कोरियोलिस बल, सीधा बल लिख देता हूँ, कोरियोलिस बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास कोरियोलिस बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जहाँ तक चांस है, क्योंकि लगभग जब भी इस मैकेनिक्स का पेपर होता है तो वहाँ कोरियोलिस बल से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कई न्यूमेरिकल है, या इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपकेंद्रीय बल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ये हमारे पास क्या है, अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, जैसे एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कोई पिंड नीचे गिर रहा है, पृथ्वी है हमारी अर्थ है, पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड का विस्थापन, गिरते हुए पिंड का विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। याद करना है जिसमें आपको इस तरीके से इक्वेशन दे सकता है, x' / 2/3 एच ओमेगा कोस लैम्डा 2h/g। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपके पास यहाँ पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ आगे, है ना। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ जगह बची हुई है। इसके अलावा आपके पास जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई अंतरिक्ष यात्री है, एक अंतरिक्ष यात्री है, मेरी आवाज़ ध्यान से सुनते रहना क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक अंतरिक्ष यात्री है, उसका भार ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, ठीक है। जो स्थिरावस्था में, मतलब स्थिर अवस्था है, स्थिरावस्था में कितना है, 60 kg है, 60 किलोग्राम का है, ठीक है, 60 किलोग्राम का है, और उसका रॉकेट किसका, अंतरिक्ष यात्री का, और उसका रॉकेट जो है ना, और उसका रॉकेट
6 ग्राम त्वरण से ऊपर जा रहा है, 6 ग्राम त्वरण से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। छः ग्राम त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चनों की बात चल रही है हमारे पास यहाँ पे। अभी एक दो क्वेश्चन हुए, अभी मैं और क्वेश्चन बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले लगभग समझ जाएंगे, मैं इंग्लिश में भी टर्म बोलता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपको समझना है आ जाए, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास है कि यदि पृथ्वी घूमना रुक जाए, यदि हमारी पास जो अर्थ है पृथ्वी का घूमना रुक जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पृथ्वी का घूमना रुक जाए, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, रुक जाए, तो 60 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को ज्ञात कीजिए, मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कितना होता है वो ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है, पृथ्वी की त्रिज्या मान लो आपको दी हुई है यहाँ पे लगभग 6.37 × 10⁶, लगभग इतनी दी हुई है जितनी भी आपको एग्ज़ाम में दिए हो, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे कोरिओलिस बल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे फोकोलोलक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, फोको रिलेटेड से क्वेश्चन रिलेटेड मिल सकते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि फोकोलोलक का, यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है फोको, ये भी पूछा जा सकता है आपको छोटे क्वेश्चन में कि फोकोलोलक क्या है, तो फोकोलोलक का दोलन तल का 15 डिग्री sin λ, दोलन तल ज्ञात करो, है ना, और यहाँ पे 15 डिग्री sin λ प्रति घंटे की दर से घूर्णन करता हो, दर से घूर्णन करता हो जहाँ लैम्ब्डा क्या है, जहां लैम्ब्डा क्या है, अक्षांश है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोरिओलिस बल वाला तो आपको जरूर पूछा जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। यहां पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 4 या 5 क्वेश्चंस बता दिए, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, है ना। ऐसे ही आपके पास ये पूछा जा सकता है, आपके पास रोटेटिंग सिस्टम है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में, तो घूर्णी निर्देश तंत्र है, रोटेटिंग सिस्टम है, तंत्र है, इसमें एसिलेशन ऑफ पार्टिकल, तंत्र में कण के त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, है ना, एसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट में कि आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव इट, कि नियत कोणीय वेग से एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी है, नियत कोणीय वेग से वेग ओमेगा से घूर्णित तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फोकोलोलक के एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि फोकोलोलक का दोलन तल पूछ सकता है आपको इस तरीके से, या ऐसे पूछ सकता है कि फोकोलोलक के दोलन तल का आवर्तकाल बताओ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक चांस है 90% वहाँ पे आपको फोकोलोलक और कोरिलस बल में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई, ठीक है। एक एक यूनिट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो अब अगली यूनिट पे बात आते हैं, तो अगली यूनिट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। देखो यूनिट नंबर 2 में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपके पास एक क्वेश्चन है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशिष्ट सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कैसे वेग ज्ञात किया जा सकता है, वेगों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो ज्ञात करना है, क्योंकि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लोरेंज रूपांतरण के बारे में आपको पढ़ना है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, या लोरेंज रूपांतरण के कारण समय विस्तारण, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 2 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे क्वेश्चन है गतिशील घड़ी है, गतिशील घड़ी का वेग ज्ञात करना है, गतिशील घड़ी का वेग ज्ञात करना है जब वह एक दिन में एक मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे, प्रतीत होने लगे तो आपको ये ज्ञात करना है इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है लोरेंज रूपांतरण में से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे काल वृद्धि क्या होती है वो आपको बताना है, काल वृद्धि, और यहाँ पे एक है माइकलसन मोरले प्रयोग क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, न्यूमेरिकल किसी में से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कई आपके पास सिद्ध कराने वाले क्वेश्चंस भी आपके पास पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, कई बार पूछा गया है कि किसी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश किस वेग से गतिशील किया जाए, किस वेग से गतिशील किया जाए, किस वेग से गतिशील किया जाए कि उसकी लंबाई में साठ प्रतिशत संकुचन हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो आपके पास लोरेंज रूपांतरण के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, है ना। लोरेंज रूपांतरण जैसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिद्ध करो लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत तरंगाग्र का व्यंजक निश्चर होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं कि बताओ तरंगाग्र का व्यंजक निश्चर होता है लोरेंज रूपांतरण से, तरंगाग्र का व्यंजक निश्चर होता है, सिद्ध करो निश्चर होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, किसमें लोरेंज रूपांतरण के में। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 2 की बात हो गई।
तो हमने दो यूनिटों की बात कर ली, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट क्वेश्चंस की बात कर ली। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। अब हम आते हैं हम पे यूनिट नंबर फोर्थ पे बात आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर फोर्थ में आपके पास है जड़त्वीय नियतांक, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शियल कोफिशियंट, कोफिशियंट। ठीक है, ये आपके पास बहुत बार पूछा गया है। एक आपके पास है प्रचक्रणी, प्रचक्रणी लट्टू की, प्रचक्रणी लट्टू की पुरस्रण गति, नाम भी कैसे कैसे होते हैं, पुरस्रण गति ज्ञात कीजिए या इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्रेसिशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। तो ये आपको क्या है यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत हैं आपके पास, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा, आपको क्वेश्चन मिल सकता है घूर्णन की गतिज ऊर्जा के अंदर से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है, है ना, घूर्णन की गतिज ऊर्जा में से कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई वृत्ताकार, वृत्ताकार चकती है, डिस्क, जिसको हम बोलते हैं डिस्क, तो वृत्ताकार डिस्क है जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, 2.5 kg है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यहाँ पर है 0.5 meter है, किसकी, वृत्ताकार चकती की। यह अपनी धुरी पर, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, यह अपनी धुरी पर 120 चक्र प्रति सेकंड की रफ्तार से घूर्णन कर रही है, प्रति सेकंड की रफ्तार से घूर्णन कर रही है, से घूर्णन कर रही है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, घूर्णन की गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, गतिज ऊर्जा, घूर्णन की गतिज ऊर्जा हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जड़त्वीय नेतांक, जड़त्वीय गुणांक, एक आपको जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मिलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कभी पढ़ाएंगे आपको जब मिलोगे, तो जड़त्व आघूर्ण आपके पास पूछ सकता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं किसके, यूनिट नंबर फोर्थ के। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, कोई ठोस बेलन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ठोस बेलन का उसकी लंबाई के लंबवत, उसकी लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व नियतांक, है ना, ये ऐसे आपको जड़त्व आघूर्ण के मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी संकुचित हो जाए
पृथ्वी मतलब संकुचित हो जाए, संकुचित का मतलब है छोटी हो जाए, एक तरीके से सिकुड़ जाए, संकुचित हो जाए, और उसकी जो त्रिज्या है कि उसकी त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए। ये तो आधा कर रहा है यार, वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, हम कहाँ जाएंगे, आधी हो जाए तो हमारे पास जो दिन है, दिन की अवधि कितनी होगी, दिन कितनी अवधि का होगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक हमारे पास है यूलर समीकरण, अगर आप पढ़ो तो, वैसे तो इतना आती नहीं है लेकिन यूलर समीकरण आप पढ़ो तो यूलर समीकरण आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट नंबर फोर्थ के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल और लिखवाता हूँ, मैं न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ, वो कई बार आया हुआ है, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। जैसे तीन समान द्रव्यमान, द्रव्यमान m, क्रम बिंदु, क्रम बिंदु क्या है, a 0 0 और यहाँ पे 0 a 2 a तथा 0 2 a a पर स्थित है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, जड़त्वीय गुणांक ज्ञात करना है, इनर्शियल कोफिशिएंट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे इस तरीके के। तो जड़त्वीय गुणांक, जड़त्वीय आघूर्ण के आपके क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में। तो ये बात हो गई हमारे पास यूनिट नंबर फोर्थ की। अब हम बात करने वाले हैं एक लास्ट यूनिट की, कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट। इसको और देख लेते हैं हम, जब तीन यूनिट देखी तो। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है, हमारे पास है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या दोनों लिख देते हैं अजड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें ना सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे प्रूव करो, क्या प्रूव करना, सिद्ध करना कि जो गैलीलियन रूपांतरण, हाँ ये गैलीलियन रूपांतरण भी बहुत आता है कि गैलीलियन जो रूपांतरण है, रूपांतरण में किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निश्चित रहती है, मध्य की दूरी निश्चित रहती है, निश्चित रहती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा गैलीलियन रूपांतरण में जो समीकरण आती है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो आपको पढ़नी है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही है हमारे पास, गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण में रेखीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण नियम निश्चर रहते हैं, निश्चर रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, है ना, और निर्देश तंत्र के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, है ना, और ये गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक आपके पास ये आपको पढ़ना है
कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष, सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील तंत्र भी, समान वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय होता है, जड़त्वीय होता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर तो अजड़त्वीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र पूछा जाता है, उसके बाद ये गैलीलियन रूपांतरण की जो समीकरण है वो पूछी जाती है, और गैलीलियन रूपांतरण में कई बार छोटी छोटी सी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, वो आपको बतानी है। ठीक है, गैलीलियन निश्चरता के बारे में आपको पूछा जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, या आप उतार लेना। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले कि एक पत्थर, चलो मैं आपको बोल देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, कि एक पत्थर किसी हवाई जहाज से एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में गिरता है ना, उसका पथ क्या होगा जब वह पृथ्वी, उसका पथ क्या होगा जब वह पृथ्वी पर किसी मनुष्य के द्वारा फेंका जाता है, प्रेक्षित किया जाता है, मनुष्य के द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वैसे तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वेग वगैरह ज्ञात करने के, लेकिन न्यूमेरिकल से हटकर कुछ ये क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके पास हो गई यूनिट नंबर 1 की बात। अब आपके पास एक क्वेश्चन जो आपको इंतजार है, यूनिट नंबर, जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास वो चारों यूनिटों को मिलाकर आएगा। ठीक है, तो यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं तो वो आपको बताना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको बताना है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है वो तो आपको पता ही है, एक है छदम बल क्या होता है, फिक्सीशियस फोर्स। ठीक है, इसके अलावा समय अंतराल क्या होता है, उचित समय अंतराल क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, समय अंतराल, प्रॉपर टाइम इंटरवल है ना, या घूर्णित पिंड की गति का समीकरण ज्ञात करना है, घूर्णित पिंड की गति क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन, गति का समीकरण, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। इसके अलावा फोको लोलक के बारे में आपको पूछ सकता है, फोको लोलक क्या है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में, एक एक दो दो नंबर के में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, वो ही क्वेश्चन आ गए, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन ये है निर्देश तंत्र, गैलीलियन रूपांतरण क्या है उसमें बता दिया। ठीक है, समय वृद्धि क्या है, समय वृद्धि क्या होती है। ठीक है, आपेक्षिकता का रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, विशिष्ट सिद्धांत क्या है, जड़त्वीय गुणांक क्या है, जड़त्वीय गुणांक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको चार पांच क्वेश्चन मिल जाएंगे छोटे छोटे, इनर्शियल कोफिशियंट जिसको बोलते हैं, जड़त्वीय गुणांक, लोरेंज रूपांतरण क्या है, गैलीलियन रूपांतरण क्या है, ये लोरेंज रूपांतरण है। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण क्या है, कोरिएलियस बल क्या है, लट्टू की पुरस्सरण गति क्या है। ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, समकालिकता की आपेक्षिकता, वही रिलेटिविटी वाले में से समकालिकता की आपेक्षिकता। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण मैंने आपको बता ही दिया था, गैलीलियन रूपांतरण भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो नंबर के आ सकते हैं आपके पास, या ऐसा ही होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सारी यूनिटों के क्वेश्चन आएंगे,
तो उसमें 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो सारी यूनिटों को मिला के आएंगे। तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं, एक एक नंबर के, ज़्यादा भारी आएगा नहीं। और पेपर आपको पता ही है, आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा वो 23 नंबर का होगा मैकेनिक्स का, तो आपके पास एक यूनिट 5 नंबर की आएगी और बाकी की जो यूनिट है वो 4.5 4.5 4.5 नंबर की आएगी। तो उसमें से इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये मैंने मोस्ट क्वेश्चंस बताए हैं। इसके अलावा आपके पास जो एग्जांपल्स होते हैं बुक में, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।